हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन योर फेवरेट चैनल तिशांत एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम फिर से आए हैं एक बार नए टॉपिक पर बात करने के लिए। जी, आज हम बात करेंगे विकसित तथा विकासशील देश क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, उनकी परिभाषा क्या होती है और कौन कौन से वो देश है जो इसके अंतर्गत आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारा या फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि त्रिशांत एकेडमी चैनल हर दिन एक नया वीडियो लेकर आता है। हमारे चैनल पर अलग अलग फैकल्टी अलग अलग टॉपिक पर वीडियोज लाते हैं, कॉम्पिटिशन लेवल के भी वीडियोज यहाँ पर आते हैं, आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है, बैंकिंग, रेलवे, SSC, कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो हमारे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। आपने मिश्रा सर की वीडियोज देखे होंगे, तिवारी सर की वीडियोज देखे होंगे, वो हमेशा आपको एक नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं। तो जो हमारी त्रिशांत की टीम है, अगर आप उनसे कुछ अलग टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, कुछ अपने रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आप मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आप वीडियो चाहते हैं, पूरी हमारी टीम की कोशिश होगी कि वो वीडियो जल्द से जल्द हम चैनल पर अपलोड करें। तो चलिए आज का वीडियो, जैसा कि आज का आप टॉपिक देख रहे हैं कि विकसित तथा विकासशील, आपको शब्दों से अर्थ समझ में आ रहा होगा। विकसित देश कौन से होते हैं और विकासशील देश कौन से होते हैं, मैं पूरी परिभाषा आपको इसकी बताऊंगी। पहले हम लोग छोटा छोटा शॉर्टकट में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे विकसित देश का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो हम अमेरिका ले सकते हैं, विकासशील देश का अगर उदाहरण दूं तो हम अपने भारत का ले सकते हैं। हमारा भारत आज बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन आज भी ये विकासशील देश में आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर आपको गरीबी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर बेरोजगारी आपको देखने को मिल जाएगी, जनसंख्या अधिक है, है ना, यहाँ पे जनसंख्या अधिक है लेकिन आय जो है वो कम है। अमेरिका में क्या है, वहां की जनसंख्या कम है और वहां की जो औसत आय है वो अधिक है। एक अगर उदाहरण दूं तो एक हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति यदि कार खरीदने जाता है, आप 30 लाख की कार खरीद कर ले आइए, पड़ोसी देखते रह जाएंगे। देखिए, विपरीत अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो वहां पर 30 लाख से शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जो रेंज हमारे यहाँ खत्म होती है वहां से शुरुआत होती है, वो लोग 30 लाख की गाड़ियां स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम गाड़ियों की स्पीड की बात करें, उनकी मेट्रो जो सर्विसेज उसकी बात करें, उनकी सारी फैसिलिटीज, सड़क की सुविधाएं जो है, यातायात की सारी सुविधाएं, हर चीज में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि अमेरिका जो है एक विकसित देश है और हमारा भारत जो है विकासशील देश है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विषय होते हैं चर्चा के, जैसे कि हम ले सकते हैं हमारे यहाँ जो बच्चों की जनसंख्या है, बच्चों में कुपोषण बहुत अधिक पाया जाता है, वो वहां पर नहीं है। यहाँ पर बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो दो वक्त का खाना भी ढंग से नहीं खाते हैं। इसके विपरीत ऐसा माना जाता है और सर्वे में पता चला कि अमेरिका में जो लोग खाना वेस्ट करते हैं, इतना खाना वेस्ट होता है कि वहां के वेस्ट खाने से यहाँ की पूरी यूपी खा सकती है। ये बिल्कुल सत्य चीजें हैं, आप गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, ये वो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं विकसित और विकासशील देशों का, किस प्रकार से अलग अलग समझेंगे। तो चलिए परिभाषा के माध्यम से मैं वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों, वर्तमान में विश्व के सभी देशों में आर्थिक विकास का स्तर समान नहीं है। कुछ देश आर्थिक विकास में बहुत प्रगति कर चुके हैं, कुछ देश आर्थिक विकास में बहुत पिछड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि कुछ देश आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। किस देश को विकसित और किस देश को विकासशील नाम से संबोधित किया जाए, यह प्रश्न अत्यंत ही जटिल है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम बात करें सबसे पहले विकसित देश की परिभाषा क्या होती है। विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे देश में गरीबी, जनसंख्या जो होती है वो बहुत कम होती है, बेरोजगारी का स्तर भी कम होता है। कुल मिलाकर ऐसे देश अपनी ज़रूरतों को अपने दम पर ही पूरा करने की क्षमता रखते हैं, इन्हें हम कहते हैं विकसित देश। आगे दोस्तों, इसके विपरीत बात करें तो विकासशील देश जो होते हैं, वे राष्ट्र जो संपन्न नहीं है परंतु विकास का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। जी हाँ दोस्तों, विकासशील देश कहलाते हैं। यह देश धीरे धीरे आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर आर्थिक विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। प्रायः विकासशील देशों में जनसंख्या का दबाव अधिक है तथा उत्पादन कम होने के कारण इन्हें जीवन निर्वाह करने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन देशों में कृषि, औद्योगिकी, व्यापारिक एवं तकनीकी विकास कम हुआ है। दोस्तों,
लिए आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं कौन से वो देश हैं जो विकसित में आते हैं और कौन से वो देश हैं जो विकासशील देश में आते हैं। विकसित देशों की बात करें दोस्तों तो हमारा अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और रूस, ये हैं हमारे विकसित देश। विकासशील देशों में आते हैं भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब आदि। इसी प्रकार से और भी छोटे छोटे देश हैं जो दोस्तों ये जो मुख्य थे मैंने उनके नाम लिखे हैं। तो यदि आपका प्रश्न ऐसा आता है कि विकसित देशों के नाम बताइए और विकासशील देशों के नाम बताइए तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अभी जो मैंने आपको परिभाषा बताई है यदि आपको अंतर लिखने में आता है तो भी आप लिख सकते हैं कि विकसित देश कौन से हैं और विकासशील देश कौन से हैं। तो आज आपको ये समझ में आएगा कौन कौन से देश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। दोस्तों किसी भी देश को जो विकसित देश होते हैं उनकी जीडीपी जो होती है वो हमेशा हाई होती है। जी हाँ दोस्तों, जी डी और पी, ठीक है, ये जो है दोस्तों ये बताती है कि कोई जो देश है जिसकी जीडीपी हाई होगी, जैसे इन देशों की हमेशा जीडीपी जो होती है वो हाई होती है। लेकिन अगर विकासशील देशों की बात करें तो इनकी जो होती है हमेशा लो होती है। अभी आपने देखा होगा दोस्तों कोरोना काल में जब हर देश पर बहुत असर पड़ा था, हर देश की इकोनॉमी अप डाउन हुई थी, तो उस समय जो ये विकासशील देश हैं सबसे बड़ा झटका इन्हें लगा था, इनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। यहाँ तक कि अगर हम भारत की बात करें तो हमारी जीडीपी जो थी वो माइनस में चली गई थी, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि क्या फर्क पड़ता है, जीडीपी से पता चलता है। जीडीपी क्या है? ये है पर व्यक्ति की आय। या दोस्तों पर व्यक्ति आय जो होती है वो निर्धारित करती है कि वो जो देश है वो विकसित देश है या विकासशील देश है। तो इन देशों की हमेशा जीडीपी हाई मिलेगी आपको और इनकी लो मिलती है। तो दोस्तों जब हम किसी भी चीज के नाप तोल का एक पैमाना होता है ना, वैसे ही अभी जब हम बात करते हैं विकसित और विकासशील देशों की, जैसे मैंने भी आपको बताया कौन कौन से वो देश होते हैं, तो किस पैमाने पर यह निर्धारित किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हम विकसित देशों की बात करते हैं तो यहाँ का जो विज्ञान होता है, उन्नत विज्ञान, कृषि में तकनीकीकरण, व्यापारिक आधार पर उद्योग का विकास, अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था, अधिक प्रति व्यक्ति आय, वही जीडीपी जो मैंने आपको बताया था, और नारी दशा में उन्नति। तो ये जो विकल्प होते हैं दोस्तों ये जहाँ जिस देश में पाए जाते हैं उसे हम विकसित देश के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत अब बात करते हैं हम विकासशील देशों की, तो यहाँ पर होती है पूंजी की कमी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या यहाँ पर आपको अधिक मिलेगी, अल्पविकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था, इसके बाद अविकसित उद्योग, पिछड़ा हुआ औद्योगिकीकरण का ढांचा और नारी दशा में कमी। थोड़ा सा अगर इसके विषय में हम बात करें दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूंजी में कमी यानी बेरोजगारी तो समझ में आ रहा है, जनसंख्या अधिक होना है, संपत्ति कम है, जनसंख्या अधिक है, अल्पविकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था जो हमारी यातायात की व्यवस्था है, जो रेलगाड़ियों की व्यवस्था है, हम हवाई जहाज सफर करते हैं, वो इन देशों में यानी विकसित देशों में बहुत अच्छी होती है और यहाँ से ज्यादा उत्तम होती है। तो इसलिए इन्हें जो होता है हम विकसित देश कहते हैं। अविकसित उद्योगीकरण, जैसे कि हम कई चीजों का जब आयात निर्यात करते हैं उस विषय में बात हो रही है। एक जो विकसित देश होता है वो निर्यात करता है और एक जो विकासशील देश होता है वो आयात करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछड़ा हुआ औद्योगिकीकरण ढांचा। जी दोस्तों, आज भी आपको पता होगा हमारे भारत देश में बहुत सारी बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां जिन्होंने यहाँ आकर सेटअप किया है, जिनसे सरकार निवेदन करती है कि आप हमारे आइए, हमारे देश में आकर के आप निवेश करिए, यहाँ पर आकर के अपनी पूंजी आप लगाइए, अपना व्यापार यहाँ शुरू करिए, सेटअप करिए, ताकि ये जो हमारा क्रेडिट जनसंख्या में जो अत्यधिक जनसंख्या है और जहाँ पर पूंजी कमी, ये दोनों चीजें यहाँ पूरी हो जाती है। क्योंकि जनसंख्या अधिक है, लोग बेरोजगार हैं और जब नई नई कंपनी आकर अपना सेटअप करती है तो हमारे यहाँ के लोगों को काम मिलता है और हमारी जो जीडीपी होती है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, है ना। तो इस तरीके की चीजों से हम ये साबित हो जाता है कि हमारा जो देश है वो एक विकासशील देश में आता है। अब जो हमने बात की नारी दशा, ये मैं डिस्कस करना चाहूँ दोस्तों अलग से कि नारी दशा में उन्नति या नारी दशा में कमी। इसका कारण ये दोस्तों कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ के जो नारियाँ होते हैं उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका जॉब प्रोफाइल सब कुछ हमारे यहाँ से हाई होता है। उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, उनका एम अलग होता है, उनका हर चीज़ पे फोकस किया जाता है कि उन्होंने आगे लाइफ में चल करके क्या करना। हमारा देश आज भी इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे देश में आज भी नारियों को अलग नज़र से देखा जाता है, उनका एजुकेशन जो होता है उस तरीके से नहीं दी जाती जैसे विकसित देशों में दी जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा और वो भी बिल्कुल उस तरीके से ही खड़े होंगे जैसे जो मेल्स होते हैं, यानी कि जितना आदमी को दिया जाता है दर्जा दिया जाता है उतना ही अगर औरत को दर्जा दिया जाए हमारे समाज में, तो ये भी हमारी जो देश है, हमारा जो विकासशील देश है इसकी उन्नति में यानी कि इसको विकसित बनाने में नारियों का भी बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा।
तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी जानकारियां इस टॉपिक से जुड़ी हुई जो मुझे लगा आज आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करी है। अगर कुछ भी मैंने पॉइंट छोड़ा हो या कुछ भी आप इस विषय से जुड़ा हुआ और कोई जानकारी चाहते तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल पर एक लाइक जरूर करें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, बहुत जल्द मिलेंगे नए।